पीएम मोदी आज लक्षद्वीप के दौरे पर रहे और पीएम मोदी ने यहां लोगों को विकास की सौगात दी है। पीएम ने लोगों को बताया कि कैसे विकास के रास्ते पर लक्षद्वीप दौड़ रहा है। पीएम ने लोगों से कहा कि लक्षद्वीप को ऑप्टिकल फाइबर का लोकार्पण की सौगात दी गई है और साथ ही पीएम ने लक्षद्वीप में पर्यटन की कितनी अपार संभावनाएं हैं इसको लेकर भी जानकारी दी। पीएम मोदी का लक्षद्वीप दौरा काफी ज्यादा खास माना जा रहा है। आजादी के अमृत काल में विकसित भारत के निर्माण में भी लक्षद्वीप की बहुत बड़ी भूमिका है। भारत सरकार लक्षद्वीप को इंटरनेशनल टूरिज्म मैप पर प्रमुखता से लाने का प्रयास कर रही है। हाल में ही जो G20 की एक मीटिंग यहां हुई है उससे लक्षद्वीप को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है। स्वदेश दर्शन योजना के तहत लक्षद्वीप के लिए डेस्टिनेशन स्पेसिफिक मास्टर प्लान बनाया जा रहा है। अब तो लक्षद्वीप के पास दो ब्लू फ्लैग बीचेज हैं। मुझे बताया गया है कि कदमत और सुहेली द्वीप पर देश का पहला वॉटर विला प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। लक्षद्वीप अब क्रूज टूरिज्म का भी एक बहुत बड़ा डेस्टिनेशन बनता जा रहा है। 5 साल पहले की तुलना में यहां आने वाले टूरिस्ट की संख्या लगभग 5 गुना बढ़ी है। आपको ध्यान होगा, मैंने देश की जनता से अपील की है कि वो विदेश घूमने से पहले देश के कम से कम 15 स्थानों को देखने जरूर जाएं। जो लोग दुनिया के अलग अलग देशों के द्वीपों को देखने जाना चाहते हैं, वहां के समंदर से अभिभूत है, उनसे मेरा आग्रह है कि वो पहले लक्षद्वीप आकर जरूर देखें। साल 2020 में आपको मैंने गारंटी दी थी कि 1000 दिन में आपको तेज इंटरनेट की सुविधा पहुंच जाएगी। आज कोची लक्षद्वीप सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर प्रोजेक्ट का लोकार्पण हो गया है। अब लक्षद्वीप में भी 100 गुना अधिक स्पीड से इंटरनेट चल पाएगा। इससे सरकारी सेवाएं हो, इलाज हो, एजुकेशन हो, डिजिटल बैंकिंग हो, ऐसी अनेक सुविधाएं और बेहतर होगी।